कंपनी फिटिंग रेड्यूसर, और ये आई है बहादुरगढ़ से गाड़ी स्पेशल इसी प्रॉब्लम को लेके, लीकेज की प्रॉब्लम को लेके। तो ब्लॉग में बने रहे, मैं आपको पूरा प्रोसेस का बताऊंगा कहते कहते। डायफ्राम कोई भी रिपेयर करता है उसको रिपेयर करने के साथ साथ स्प्रे लगाना ज़रूरी है, कि जो पिस्टन होता है ना इसके अंदर, पिस्टन इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, फिर सेफ्टी वाल फटने की चांसेस होती है। जो डायफ्राम निकाला और डायफ्राम लगा दिया, ये इनका डायफ्राम है, ये डायफ्राम की कंडीशन आप देख सकते हैं, फटा हुआ है। और ये हमारी डायफ्राम है, इम्पोर्टेड डायफ्राम है और मोटी डायफ्राम है, 17-18 रेल का है डायफ्राम, और ये सिर्फ 3-4 रेल का है इसके अंदर, ठीक है। ये डायफ्राम की सेटिंग हो रही है प्रॉपर तरीके से, फाइनली इसकी लीक पॉइंट हो गई है बंद। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जो आती है तो डायफ्राम डालने के बाद एयर निकलता है, वो भी मैं दिखाऊँगा आपको। और जो बंद करने वाले घर पे, उसमें हल्का हल्का सा एक बूंद निकलता है एयर का, तो मैं दिखा दूँ कि आप सोचो भाई। देखो हल्का सा जो निकला बूंद, वो हल्का सा एयर का है। बाकी आप लोग वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।